इस समय की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप नगरोटा से देख रहे हैं। कुछ देर पहले मेरी सहयोगी रितिका ने आपको तस्वीरें जम्मू बस स्टैंड की दिखाई थी। यहाँ पर डेली वेजर्स का हजूम जो था वो सड़कों पर उतरा और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी रोष में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। और अब ये तस्वीरें मैं आपको जो है वो नगरोटा की दिखाऊंगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये भारी मात्रा में डेली वेजर्स जो हैं आज एकत्रित हुए हैं और ये नगरोटा मेन एंट्रेंस जो है ये वहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लगातार जो है एक मांग जो लेकर उतरे हैं और जिसमें रेगुलेशन पॉलिसी उनकी मुख्य डिमांड है। दूसरी तौर पर अगर बात करें तो जो पेंडिंग वेजेस हैं उसको लेकर, थर्ड जो मेन है वो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है ड्यूटी के अंदर जो दिल्ली में जिस तरीके से मिल रहा है वही जो है इन्हें मिले, इस तरीके से जो है इनकी मांग थी। और अब ये लोग नगरोटा में भी हैं, जम्मू में भी इनका काफी प्रदर्शन जो चल रहा है, सीधी बातचीत इनसे करते हैं। कैसे देखते हैं प्रदर्शन को सर? लगातार मांग कर रहे हैं और आज काफी हजूम जो सड़कों पर उतरा है। शुक्रिया। एक हमारा प्रोटेस्ट डीसी रोड जम्मू में चल रहा है, दूसरा हमने सर्जिकल स्ट्राइक आज शीतली में की है और सरकार को ये बताने का प्रयास किया है कि बिजली वालों की लाइन पे पीएचई वाले चल पड़े हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो जम्मू कश्मीर में भी पानी की हाहाकार होगी। जैसे बिजली 3 दिन लगातार बंद रही थी तो पानी भी किसी घर में नहीं आएगा, अगर हमें पॉलिसी नहीं देगी तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये ट्रेलर था सरकार 144 लगाए, सरकार कुछ भी करे हम लोग अपने जायज मांगों के लिए घर से निकले, अपने बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम कर निकले, कपड़े का इंतजाम कर निकले हैं। जो सरकार रोजी रोटी ना दे सके, कपड़ा ना दे सके, उस सरकार को हमें करना क्या है? ये जो अमित शाह जी ने कहा था नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, तो आज नया जम्मू कश्मीर ऐसा है कि जम्मू की हर गली में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, हर चौराहे पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं? क्योंकि जो लोग ब्यूरोक्रेट जो बैठे हुए हैं ये बात सुन के किसी की राजी नहीं है। तो हमें एक सीधी स्पष्ट क्लियर नीति बता दी है कि जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। अगर बिजली वालों को रेगुलर पॉलिसी मिल सकती है, 12,000 पोस्टें मिल सकती हैं, तो पीएचई वालों को क्यों नहीं? दोनों एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो। कोविड में काम हम करें, रेड जोन में काम हम करें, और जब देने की बारी आई तो हमें ये कहा जाए नहीं इस पे फैसला ऐसे होगा, आप ऐसे लगे हो। तो जब हम सवाल करते हैं बिजली वाले वो कैसे कर दिए, तो फिर ऑफिसरों के पास जवाब नहीं उस बात का होता। तो शुभम जी आपका बहुत शुक्रिया, आप गरीबों की आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाते हो जो गरीब की आवाज़ सुनना नहीं चाहते। लेकिन हम भी बहुत पक्के हैं, अगर 45 डिग्री टेम्परेचर है हमारे शरीर और हमारा हौसला लोहे से ज्यादा मजबूत कर दिया, बगैर पॉलिसी वापसी नहीं होगी। बातचीत कोई दौर जो है वो निकला है, क्या कोई कॉल आया है एलजी ऑफिस से या फिर किसी एडवाइजर से कॉल आपको आया? क्योंकि एक काफी हजूम सड़कों पर उतरा और 144 भी लगा दी गई, जिस पुल को आपने गिराव किया था, एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोल है वो लोगों के सामने आ रही थी, अब उसके ऊपर भी 140 लगा दी गई। ये देखा जाता था श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर के अंदर जब कोई बाहर निकलते 140 लगा दी जाती थी, वहां पर उस तरीके की चीजें होती, लेकिन यहाँ पर तो शांतिपूर्वक चीजें होती है, उसमें 140 लगा दी गई। देखिए इसी को नादरशाही फरमान कहा जाता है और सरकार की नाकामयाबी कही जाती है कि सरकार और लोगों के बीच में कितने गैप है कि सरकार लोगों की बात सुनती नहीं है। हमारा सीधा स्पष्ट है, आप हमें बुला के पूछिए कि बार बार आप ये कह रहे हो कि एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को वादा किया था रेगुलाइजेशन का, तो रेगुलाइजेशन क्यों नहीं दी जा रही हम ये पूछना चाहते हैं। अगर हम लोग 70 महीने का पेंडिंग सरकार से जो लेना है क्या वो गलत है? 641 करोड़ हमने जेके यूटी से लेना, जम्मू प्रोविंस के पीएचई के डेली वेजरों ने, तो अब पीएचई का डेली वेजर चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर हो चाहे -6 डिग्री टेम्परेचर हो पीछे हटने वाला नहीं है। शुभम जी इनको पता लग गया है, हर 30 को हमारा कोई ना कोई साथ वाला साथी 60 साल का होकर रिटायर होकर जा रहा है, तो कल हमारी बारी भी ऐसे आएगी। ये सरकार लॉलीपॉप दे के लिंगरान करके गोल गोल घुमा के हमें बेवकूफ बनाना चाहती है। सिर्फ लॉलीपॉप है इसमें 300-302 रुपए का 60 रुपए का गोलमोल घुमाया जा रहा है। हमको खुद जे अपनी जेबें भरते हैं पूरी और डेली वेजर की बारी आती है तो 2 रुपया बढ़ाना या घटाना उस पर चर्चा है। तो मिनिमम वेज एक्ट हमारी तीसरी डिमांड है, पहली डिमांड हमारी रेगुलेशन पॉलिसी है। हम मांग रहे हैं इनसे SRO 64
तो जे हमको दे रहे हैं 144 पुल पे लगा के, तो हमको 144 नहीं चाहिए, हमको ऐसा 64 चाहिए, हमको 70 महीने का पैनी बेची चाहिए। जब तक जय डबांडे हल नहीं होती, जय महासंग्राम, जय महायुद्ध जारी रहेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। एलजी प्रशासन को पहली बार देखा कि एलजी प्रशासन भी डरा हुआ है, इसीलिए 144 लगा दिया। ये मेरे डेली वेजरों की ताकत है कि हम लोग अपने बच्चों का हक मांग रहे हैं और जे हम पे 144 लगा के हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो दो मोर्चों पे हमने मोर्चे खोले हैं, एक शीतली, दूसरा बीसी रोड। अगर चार मोर्चे भी खोलने पड़े, हम लोग तैयार हैं, मगर बिना पॉलिसी के हम लोग वापस नहीं जाएंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? 25 तारीख का आह्वान दिया था, आज आपने मेगा रैलीज की बात कही, तो आज देखा भी गया सड़कों पर, वो ताकत दिखी आप लोगों की। शायद ये ताकत पहले कम दिखती, लेकिन आज वो ताकत जो है, वो नींद जो है, वो होश उड़ा रही है एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे उच्च अधिकारियों की। आगे की रणनीति क्या रहेगी शिवम जी? इससे भी ज्यादा नींद खुलेगी उनकी। नींद तो आएगी नहीं, खुलने की तो बात ही छोड़ो, अब उनको नींद नहीं आएगी। एडमिनिस्ट्रेशन को जो बड़े बड़े मोटे चश्मे लगा के बैठे ना, उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये डेली वेजर भी सोया नहीं है 94 के बाद। ए 94 के बाद कोई मेरा डेली वेजर सोया नहीं। किसी को खाने की चिंता सताती है, तो किसी के बच्चे शादी के लायक हो गए हैं, उनको बहुत चिंता सताती है। अगर हम लोग 25-30 साल से नहीं सोए, तो अब जेस प्रशासन भी नहीं सोएगा। अगर बात नहीं बनती, तो एक और बड़ा सा कार्यक्रम हमने पहले डिसाइड किया है, बार बार टच करते रहेंगे जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी। बिल्कुल, और ये देखिए सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और तादाद भी मैं लोगों के आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कोई 100-200 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में ये लोग जो है आज जो एक बार फिर जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, और ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए हाथों में तिरंगा लिए जो है अपनी मांगों को लेकर आए हैं, और एक बार इनसे फिर से बातचीत करते हैं। ये देखिए इन शख्स को आप पहचानते हैं, जब भी इन्हें जो है आपने प्रोटेस्ट करते हुए देखा है, तो इस चेहरे को आपने बली भांति जो है वो जाना, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज तो काफी तादाद और ताकत दिखाई दे रही डेली वेजर्स की सड़कों के ऊपर। देखिए हमने ताकत नहीं दिखाई है, हम सिर्फ अपना हक के लिए ये काम किया है, अपने बच्चों के लिए किया है। हमारी तो उम्र हो चुकी है, हमारे लोग जो बसोली से, बनी से, सांबा से, ये लोग सांबा से हैं, रियासी से हैं, मोहर से, दरमाड़ी से लोग आए हुए हैं, ये पीएफटी के लोग हैं। हमने पानी बंद नहीं किया था, आज एक खाली ट्रेलर दिया है कि पीएचई का पानी आज 2-3 घंटे हम बंद कर सकते हैं, सिर्फ एक ट्रेलर था ये। अगर गवर्नमेंट ने 5 दिन के अंदर अंदर हमारी पॉलिसी नहीं लाई, तो शीतली स्टेशन से एक बूंद की पानी नहीं जाने दूंगा। हमारे ऊपर गोलियां चला ले, चाहे डंडे चला ले, हम आप पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम एलजी प्रशासन को ये हाथ जोड़ के मंत्र करते हैं कि 5 दिन एलजी को, गवर्नमेंट जो बीजेपी की है, जिन्होंने कहा था कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम आपको पक्का करेंगे, ये पक्का कर रहे हो? जो जम्मू शहर मंदिरों का शहर था, आज प्रदर्शनों का शहर हो चुका है। इसका नाम रख के मंदिरों का शहर नहीं कहा जाएगा, प्रदर्शनों का शहर कहा जाएगा। आपने रेगुलेशन की बात करी, धारा 144 मिल गई, उन्होंने लगाया। पीएचई से डर गए हैं ये लोग, गवर्नमेंट डर चुकी है पीएचई से, पीएचई डेली वेज से डर चुकी है। ये कहती है ये संभाले नहीं जाते हैं, संभालने भी नहीं पड़ेंगे। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने हमारी पॉलिसी नहीं दी गई, तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में पानी की बूंद नहीं मिलेगी। ये स्टेशन जहाँ पे हम खड़े हैं इस समय, यहाँ से कहाँ कहाँ सप्लाई होती है पानी? ये पूरे जम्मू को 70% पानी देता है, 70% जाता है। तो अगर आने वाले दिनों में 5 दिन में आपकी मांग नहीं दी गई, तो इसका सीधा असर जो 70% पॉपुलेशन जम्मू बिल्कुल पड़ेगा, त्राही त्राही मचेगी, पानी पीने के लिए नहीं उनको मिलेगा। मैं वो ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू में बहुत बुरी हालत है, आपने देख लिया होगा, अभी भी जम्मू के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यार क्या बात है, कौन सी है यार गवर्नमेंट है, कौन सा क्या है यार, हमें बताइए। अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो तो एक दिन एक रात और जो है ऑर्डिनेंस आ जाता है और अपनी सैलरियां बढ़ जाती हैं लोगों की, लेकिन आप लोगों की सैलरी क्यों नहीं दिखाई? आपने तो मेहनत से मांग रहे हैं। उसमें देखिए बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी जी, जितने भी लोग हैं, तीन चाचा पेंशन ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर राज करके ले रहे हैं, बंधुआ मंजूर बना के रखा हुआ है। अभी जो हमारे डेली वेजर जो हैं, हर हफ्ते जा रहे हैं, किसी के 2 दिन रह गए हैं, किसी के 6 दिन रह गए हैं, किसी का 1 महीना रह गया, किसी के अभी भी टाइम चाहिए, तारीख बे तारीख, अभी नहीं जाना, हम जाएंगे जो मर्जी हो जाए। हम जे आरसी प्रशासन को ये बताना चाहते हैं, बीजेपी वालों को, अगर कहते हैं सीएम बनेगा जी, हम सीएम बनाएंगे उसको, पहले हमारी लागू पार्सी लाइए, फिर हम आपको सीएम बनाएंगे।
हम वादा करते हैं आपसे। वो कह रहे हैं सीएम मुझे बनाओ, मैं कैनेडा की पहली मिसिंग बोल रहा हूं। कहता हूं अगर सीएम बनना है डेली वेजर को काम कर दो, जो बनाएगा आप उसको वोट देंगे? बिल्कुल, सरकार में सिर्फ बीजेपी है, वो ही करवा सकती है और कोई नहीं। अभी बीजेपी अगर है उसको ही बोल रहे हैं ना हम, अगर बीजेपी गवर्नमेंट करवाए तो हम शाना बशाना उसके साथ हैं। जो कहते हैं 50 सीटें लेंगे हम 60 देंगे, नहीं तो 5 सीटें लेकर लखनपुर पार चले जाना, ये सीधा संदेश है हमारा। ये कहते हैं बीजेपी वाले हमारे टक्कर में कोई नहीं है, अब डेली वेज टक्कर में खड़ा हो गया है, ये याद रखना। ये 61,000 जितना भी है लोग, इनके साथ परिवार मिला के कितने लोग हैं टोटल आप जान लीजिए, जरूर दे दीजिए। ये घर में 10 होंगे, 10 से जरूर दे दीजिए, उसके आगे भी होंगे, ताए चाचे फूफे मामे मासियां हमारे सालियां सारे। डेली वेजर्स का वोट एक ही वोट बैंक बनकर जो है एकत्रित होकर वोट डालेगा, बटेगा नहीं? बिल्कुल 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 नहीं बटेगा जी, आप सीधा संदेश दो। श्रीनगर जम्मू कश्मीर है चाहे कहीं होगा, जम्मू कश्मीर छोड़ के जहां मर्जी होगा। जे पीएचई डिपार्टमेंट जो है ना हमारे सिर पर चलते हैं, ये एसयू में बैठे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, मजे ले रहे हैं, गिस्तावे खा रहे हैं, कौन कहता है किसी की मर्जी है। ये आज देखो कितना टेम्परेचर है, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, बारिश हुई है, बारिश में हम डटे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं रही है। आज सिर्फ एक ट्रेलर था, 15 अगस्त के बाद हमने कहा था हम वो करेंगे, सख्ती करेंगे, आज पहली सख्ती होने जा रही है। अभी हम छोड़ रहे हैं इसको, हम चले जाएंगे जहां से, हम बंद करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन ट्रेलर दिखाने के लिए आए थे। जहां मर्जी लगा लो, दफा 144 लगा लो, कर्फ्यू लगा लो, हम अब पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे, जो मर्जी हो जाए अपने बच्चों के लिए ये हम पार्सी लेके रहेंगे। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल, तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाऊंगा, पीछे की तस्वीरें दूर दूर तक देखिए, ये तादाद जो है इस तादाद को देख लीजिएगा, और जिस जगह में इस समय खड़ा हूँ ये वो मेन स्ट्रीम है, यहाँ से जम्मू सिटी के अंदर लगभग 70% पानी की सप्लाई की जाती है, और आने वाले समय में अगर यहाँ से सप्लाई बंद हो गई तो आने वाले दिनों में काफी त्राहिमाम जो है जम्मू सिटी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल जम्मू की सड़कों के ऊपर मेरे सहयोगी ने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, लाइव रिपोर्टिंग वहां से ऑन ग्राउंड की गई है, और वहां से सिविल सेक्रेटरी की तरफ रुक किया गया था, लेकिन वहां बीच रास्ते में बैरिकेटिंग लगाकर पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया, लेकिन फिर भी वहां पर हजूम जो था वो इतना था कि पुलिस बल जो है उनके आगे बेबस नजर आया। एक बार फिर से अब ये नगरोटा की बात करें तो मेन एंट्रेंस है, यहां पर भी जो है नारेबाजी जो सरकार के खिलाफ और बात माता की जय के नारों के साथ जो है डेली वेजर्स जो है यहां पर एकत्रित हुए हैं। पीएचई डेली वेजर्स की बात करें, अब यूनिटी दिखाई दे रही है, वो ताकत दिखाई दे रही है, शायद इसी बात का डर है कि एसी कमरों में सोने वाले बड़े अफसर जो है अब उनकी नींद जो है वो उड़ गई है और रातों रात फ्लाइट में रवाना होकर दिल्ली पहुंच गए हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अपने चीफ सेक्रेटरी को लेकर इस समय मीटिंग का दौर चल रहा है, क्या वहां पर कोई बड़ा फैसला डेली वेजर्स को लेकर भी आएगा, इस पर भी बने रहे, क्योंकि जो भी खबर मेरे पास पहुंचेगी मैं आप लोगों को जरूर साझा करूंगा। लेकिन जम्मू से लेकर नगरोटा तक डेली वेजर्स की हुंकार साफ तौर पर नजर आ रही है, और उनकी एकता जो है, जो यूनिटी की बात करते थे लोग, वो एक इकट्ठे होकर जो है वो मैदान में नहीं उतरते, तो अब जो है हालांकि रविंद्र ने यह कहा था कि अब कोई नहीं टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, तो डेली वेजर्स का साफ तौर पर आह्वान है कि आप चक्कर में पड़ जाइए, क्योंकि टक्कर में अब हम लोग हैं, और अगर आने वाले समय में आपको सीएम का चेहरा आप देख रहे हैं खुद को, या आपको सत्ता में बैठना है तो आपको जो है हमारे लिए रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो लानी पड़ेगी, क्योंकि केंद्र में आप लोगों की सरकार है, एलजी उनके अधीन आते हैं, तो आप लोगों को हमारे ऊपर फैसला करना पड़ेगा, मोहर लगानी पड़ेगी, अगर लगाएंगे तो हम भी मोहर आपके ऊपर लगाएंगे और आप जम्मू से लेकर कश्मीर में जो है अपनी सरकार बना पाएंगे, अन्यथा इनके बिना और इनके 61,000 मत देखिए, इनके साथ इनका परिवार है, तो ये तादाद जो है 3 से 5 लाख के बीच में बढ़ेगी, और ये तादाद जो है आपको काफी भारी पड़ेगी, अगर इनका वोट जो है वो आपको नहीं मिला तो आप जम्मू क्या कश्मीर में भी आप एक सीट भी नहीं हासिल कर पाएंगे, तो इसीलिए आपको इनका काम जो है करना पड़ेगा। यही वजह है कि रातों रात धारा 144 लगाई गई थी डीसी जम्मू द्वारा, ये कहा गया था कि आप डेली वेजर्स हो, चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, आप किसी भी ब्रिज के ऊपर जो है वो ब्लॉक नहीं कर सकते आपने, क्योंकि तभी ब्रिज जो है वो मेन स्ट्रीम है, जो बाहर से लोग आते हैं वो भी वहां से होकर गुजरते हैं, जो मेन रहते हैं जम्मू सिटी के वो भी वहां से होकर गुजरते हैं, और उनको साफ तौर पर ये जो 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 इनकी एक नाकामयाबी है, जो नलायकी है सरकार की, वो दिखती है, क्योंकि जब ये लोग कपड़े उतार कर सड़कों के ऊपर उतरते हैं, जो लाठीचार्ज इन लोगों की जाता है, तो इन लोगों को काफी दिक्कत सामना करना पड़ता है, तो इसी वजह से सरकार नहीं चाहती थी कि उनके जो उनकी नाकामयाबी है वो लोगों तक जाए, इसीलिए धारा 144 रातों रात लगा दी गई। हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडेंस का, जो 2020 को फैसला दिया गया, जिसमें कहा गया कि आप आम जनता का रास्ता नहीं रोक सकते, अगर ऐसा था तो तमाम जगहों पर लगाते, सिर्फ तभी पुल पर ही क्यों लगाया गया, ये भी एक शक व शुबा जो है लोगों के दिमाग में पैदा करता है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें, जिस तरीके से हमेशा आप डेली वेजर के साथ खड़े रहते हैं, इस बार भी आपको आपका साथ जो है लोगों को चाहिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग जो केंद्र में हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगा, और वो लोगों को पता चलेगा कि जम्मू की तस्वीर जो अक्सर में उनको दिखाई जाती है वो अलग है, और रियलिटी में जो तस्वीर है वो अलग है। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के बारे में बाहु एक्सप्रेस पर जरूर के साथ, शुभम लंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए, जय हिंद।